ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। राजस्थान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से आज से जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड का शुभारंभ होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह आज दोपहर वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। इससे पर्यटकों को जैसलमेर के नैसर्गिक सौंदर्य को आसमान से निहारने का मौका मिल सकेगा और इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। राजस्थान के जैसलमेर से एक खबर है, जहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से एक नई पहल शुरू होने जा रही है, जहां आज से जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड का शुभारंभ होगा। इसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह आज दोपहर वर्चुअल माध्यम से करेंगे। इससे पर्यटकों को जैसलमेर के नैसर्गिक सौंदर्य को आसमान से निहारने का मौका मिलेगा, तो वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जैसलमेर से हमारे संवाददाता प्रवीण आचार्य। प्रवीण, आज राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से एक नई पहल की जाने वाली है, जहां जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉयराइड का शुभारंभ होने वाला है। क्या कुछ इसका फायदा पर्यटन विकास निगम की ओर से देखने को मिलेगा पर्यटन व्यवसाय में? पर्यटन व्यवसाय की दृष्टि को लेकर अगर बात करें तो राज्य सरकार के जो है ये अनूठी पहल की गई है। अब जैसलमेर आने वाले पर्यटकों के लिए अगर बात करें तो वो जैसलमेर को हवाई सेवा को निहारने के लिए जो है ऊपर से जो है वो स्वर्ण नगरी को देख सकेंगे। इसको लेकर अगर बात करें तो आज इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो है वर्चुअल माध्यम से जो है विधिवत उद्घाटन किया जाएगा और आज से जो अगर बात करें तो 3 बजे के बाद से ये पर्यटन यहाँ पर आने वाले पर्यटन उद्योग में पर्यटकों के लिए जो है एक अनूठी जो है वो पहल साबित होगी। इसको लेकर जिला जो है कलेक्टर लेवल पर जो अगर बात करें तो तैयारी पूरी की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा जो है आज इसका जो है विधिवत उद्घाटन से लेकर यहाँ पर जो है पर्यटन से जुड़े लोगों के साथ ही अल्पसंख्यक मामला मंत्री साले मोहम्मद, विधायक रूपाराम गंगे के विषय अतिथि में जो है वो इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद ये पर्यटक जो यहाँ आने वाले हैं उनके लिए ये सुविधा मुहैया करा दी।